अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो जी आज मोस्ट अवेटेड वीडियो मैंने लगा ही दी है, मेरे किचन और वॉशरूम्स को जो मैंने रेडी किया था उसकी वीडियो है ये। किचन की आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये है जी बिफ़ोर और आफ्टर का क्लिप। ये आफ्टर है, ये अब मेरे किचन की जो कंडीशन है वो है। इस कंडीशन तक पहुँचने के लिए क्या क्या मैंने मेहनत की है, किस तरह से किचन रेडी हुआ है, वो आज पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। वॉशरूम की कंडीशन आप देख रहे हैं, बहुत ही बुरी सूरत हाल थी। वॉशरूम्स भी मैंने प्रॉपरली टोटली चेंज करवाए हैं, रेडी करवाए हैं, अभी आपको नज़र आएगा। ये देखे वॉशरूम में मैंने बेसन, शीशा, कमोड वगैरह सब कुछ नया लगवाया और अब मैं इसकी सफाई करवा रही हूँ। दीवारें वगैरह इसकी मैंने तेजाब जो सैनिटरी से मिलता है उससे साफ़ करवाई थी और अब आप देखें वॉशरूम की कंडीशन। अब दीवारें देखें वॉशरूम की, माशाल्लाह बिल्कुल न्यू दीवारें निकल आई थी। ये है कि मैंने वॉशरूम के टैप सेट सारे चेंज करवाए थे, बेसन चेंज करवाए थे, शीशे चेंज करवाए थे, हर चीज़ मैंने चेंज करवाई थी, लेकिन टाइल्स चेंज नहीं करवाई थी। तो टाइल्स को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करवाया और बिल्कुल वॉशरूम न्यू निकल आए थे। ये वाला जो ब्लू वाला वॉशरूम है ये मेरे बेडरूम का वॉशरूम है, इसलिए आपको इसमें सामान थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। और दूसरा वॉशरूम जो है वो मेन वॉशरूम है जो बाहर हमारे टीवी लाउंज में है। इस घर में दो वॉशरूम हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो है ये मेरा वॉशरूम है, अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रेडी हो गया। ये पार्सल्स हैं जो दराज से मैंने मंगवाए हैं, इसके अंदर मैंने जो मंगवाए हैं वो ये स्टार्स हैं, लाइट वाले स्टार्स हैं, रात को जो लाइट चलती है जिसमें, ठीक है। और ये मुझे मिले हैं 167 रुपीज़ के, तकरीबन दो दिन बाद इसकी डिलीवरी आ गई थी। एक मैंने ऑर्डर की थी लिपस्टिक, जो 5 शेड्स वाली लिपस्टिक होती है ना, ये इसका कवर मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ये वाली लिपस्टिक, ठीक है। अच्छा, और अभी मुझे जो रिसीव हुआ है थर्ड पार्सल वो ये रिसीव हुआ है। इसमें ये है कि मुझे लगता है इसके अंदर एक वो किचन का गैजेट है वो मैंने मंगवाया, और एक पार्सल ये रिसीव हुआ है, ये भी खोल के पता चलेगा। मुझे लगता है इसमें किचन की शीट आ गई है, जो मार्बल शीट मैंने मंगवाई है ना वो है। मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये अच्छे तरीके से इन्होंने रैप किया हुआ है, ये हैं जी शीट्स, 3 शीट्स मैंने मंगवाई हैं। अब पता नहीं ये मेरी किचन में पूरी आती हैं कि नहीं आती हैं, जब मैं लगाऊंगी तो मैं इसके व्यूजिंग दूंगी। इसके साथ मैंने टाइल कवर मंगवाए थे वो तो बिल्कुल फ्लॉप थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो बिल्कुल भी नहीं सेट हुए हैं। इसको भी सेट करके देखेंगे कि ये लगती है कि नहीं लगती है। और जी ये मैंने मंगवाया है स्पून होल्डर, किचन में शेल्फ़ के ऊपर ना बर्तन जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो चम्मच शेल्फ़ पे रख देती थी मैं, तो वो गंदा हो जाता है, तो ये स्पून होल्डर मंगवाया। क्वालिटी इज़ गुड, इसका कुछ नहीं पता, ये शेल्फ़ पे लगेंगी शीट्स तो फिर पता चलेगा क्या क्वालिटी है, ये ठीक है। और जो स्टिकर्स मंगवाए थे मैंने शेल्फ़ के वो तो बहुत ही बुरे थे, और लिपस्टिक की क्वालिटी भी ठीक है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बस ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपको सूरत हाल नज़र आ रही है ये उस दिन की सूरत हाल है जिस दिन पहले दिन कारपेंटर मेरे किचन में लगा था। तो मैंने सारा सामान जो किचन में घुसाया हुआ था ना वो सारा निकाल के बाहर टीवी लाउंज में रखा, और ये जो सामने रैक नज़र आ रहा है वो ये ऊपर लग गया है यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने बर्तन लगा दिए हैं। जो मेरे कांच के बर्तन थे ना वो मैंने काफ़ी दिनों से कार्टन के अंदर बंद करके रखे थे, उनकी मुझे बहुत टेंशन थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से नीचे डोर लगवाए और ऊपर कैबिन्स लगवाए, और सबसे पहले मैंने अपने बर्तन सिक्योर कर लिए थे क्योंकि ज़्यादा तोड़फोड़ जो शिफ्टिंग में होती है वो बर्तनों की होती है। तो यहाँ पर मैंने अपने देजकियाँ वगैरह, बाउल्स, इस तरह की चीज़ें रखी हैं क्योंकि इसके ऊपर एग्जैक्टली चूल्हा था। अभी तक मैंने वॉलपेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, आप बाहर सूरत हाल देख सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद मैंने जो है किचन की वॉलपेपर लगाई थी, वो भी मैं आपको भी दिखाऊँगी कि वो मैंने किस तरह से अटैच किया था। ये देखें सूरत हाल, जो शेल्फ़ है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, एक्सट्रीम किस्म की। तो यहाँ पर मैंने टोटली दीवारों पर भी और सामने भी जो है वो वॉलपेपर लगा दिया था। ये जो वॉलपेपर मैंने आपको दराज से शीट बताई थी ना मैंने मंगवाई है, ये एग्जैक्ट चिपकने वाली होती तो है लेकिन उससे ये प्रॉपरली नहीं अटैच होती है। तो आपने क्या करना है, एक स्मद बॉन्ड मंगवानी है, छोटा सा टिन मिल जाता है स्मद का, वो आपने मंगवा लेना है, उससे आप पहले आपने शेल्फ़ पर लगा के फिर आपने इसको अटैच करना है, तो फिर ये प्रॉपरली जुड़ जाएगा। ये आप सामने देख रहे हैं प्रॉपरली,
जुड़ गया है। और जो टाइल पेपर थे वो भी मैंने स्मद बॉन्ड से ही लगाए थे, वो भी अपने जो चिपकने वाली उसकी लगी हुई थी ना एल्फी, उससे नहीं चिपकते हैं, ठीक है। तो आप इसका मैस देख सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका मैस हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो सारी पूरी आ गई थी, क्योंकि मैंने टाइल पेपर भी साथ में दराज से मंगवाए थे और वॉल पेपर भी मंगवाए थे, तो इस वजह से पूरा आया था। खाली वॉल पेपर की 3 शीट जो है वो मेरे किचन में पूरी नहीं आनी थी, ज़्यादा जगह पर लगनी थी, इस वजह से मैंने टाइल पेपर मंगवा लिए थे। अगर आपकी वॉल पेपर पूरा आ जाए तो आप बेशक टाइल पेपर ना मंगवाएं, लेकिन वो अच्छा लग रहा था कंट्रास्ट में। जितनी सूरत हाल है वो आपके सामने है, वो ये है, यहाँ पर भी मैंने कुछ सामान रखने के लिए छोटा सा ये रैक लगवा लिया, इसके नीचे मैंने वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं, यहाँ पर ऑयल्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये चूल्हा है, यहाँ पर यही चूल्हा लगना था क्योंकि इसकी जो ये है ना ये कंप्लीट बंद थी, तो इस वजह से इसके ऊपर ये वाला चूल्हा रखा है हमने। पीछे मैंने तवे रखे हुए हैं, ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर मैंने बर्तन धोकर ये लगाने वाला लगाया हुआ है, और यहाँ पर मेरे ग्लासेस वगैरह कप्स वगैरह पड़े होते हैं, ये चम्मच वाली है टोकरी, जामिश्री और अचार मैं रखा हुआ है। और इसकी मैं आपको बता दूं तो ये इसके लिए शेल्फ़ के लिए अच्छी नहीं साबित हुई है, क्योंकि यहाँ से आप देखें थोड़ी सी फट गई है, ठीक है। तो बाकी दीवारों के लिए ये ठीक है, अगर आप दीवारों पे लगवाना चाहते हैं फ्रंट पे तो बिल्कुल ठीक है, इस तरफ वाली भी ख़राब नहीं हुई है, इस तरफ वाली भी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से ये जो जगह है ये ख़राब हो गई है। ये वाली जो टाइल है ये भी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लगेगा वहाँ से ये भी ख़राब हो जाएगी, जैसे ये पानी वाला कॉर्नर था तो ये काफ़ी ख़राब हो गया, यहाँ पर मैंने दूसरी शीट ला कर लगानी है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ, क्योंकि बर्तन धुलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो ये मैंने इसी वजह से पहले वीडियो नहीं बनाई कि मैं आपको रिव्यूज़ दे सकूं कि पानी वाली जगह पे ये वैलिड है कि नहीं, पानी वाली जगह पे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैंने ओवन का एरिया बनाया हुआ है, ओवन रखा हुआ है, पानी वाली बॉटल रखी हुई है, नीचे मेरा ये स्टोरेज एरिया है, यहाँ पर मैंने कर्टन खरीदा है, मैंने कर्टन लगा देना है, अब्दुल्ला टेक अ साइड, और इसमें मेरे चावल हैं, नीचे मेरा दालों वाला स्टोरेज है, ये ऑयल है, ये आटे वाला है, वहाँ पर सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं, और इस तरह से अब किचन जो है वो कम्प्लीट हो गया है। यहाँ मैंने हैंगिंग वगैरह की हुई है एप्रन की, ऊपर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि यहाँ पर मैंने जो है ना वो बर्तनों की स्टोरेज की है, आप देख चुके हैं ऑलरेडी सारी वीडियोस। और यहाँ पर भी मैंने जो है वो अपने कुछ बर्तन, कुछ मसाले, कुछ इस तरह की चीज़ें, कप्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह ये रख लिए हैं।